ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है बढ़ते खबरों आगे रुद्रपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली को लेकर दिग्गजों का, का रुद्रपुर आने का सिलसिला शुरू हो गया है इसी कड़ी में राज्य मंत्री धन सिंह रावत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों को लेकर रुद्रपुर पहुंचे इंडिया वाइस के संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की हमारे साथ मौजूद हैं उत्तराखंड चुनाव प्रबंध प्रचार समिति के संयोजक हैं और मंत्री भी हैं धन सिंह रावत जी हम उनसे बात करते हैं रावत जी जिस तरह से कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यहाँ पर रैली है इस रैली को आप किस रूप में देखते हैं देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे उत्तराखंड में हैं इस चुनाव की पहली रैली को संबोधित करने वाले हैं और हमारे केंद्रीय मंत्री माननीय थावरचंद गहलोत जी भी यहाँ पहुँच चुके हैं मुझे लगता है कि आज तक की रैली में से सबसे बड़ी रैली होने वाली है क्योंकि लोगों में बड़ा उत्साह है और इस बार पूरे देश में मोदी जी का जो क्रेज है कि भाई मोदी जी ने गरीबों के लिए बहुत बड़ा काम किया है मोदी जी ने देश की रक्षा के लिए बहुत काम किया है हर मोर्चे पे मोदी जी ने बहुत काम किए हैं और मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी पाँचों लोकसभा सीटें समय भारी मोहब्बत से चुनाव जीतने वाली है मंत्री जी जिस तरह से आप पांचों लोकसभा सीट पर लगातार जा रहे हैं और कई प्रत्याशियों के आप नामांकन जुलूस में भी रहे रहें क्या लगता है कि पांचों सीटों में किस तरह का भाजपा का दमदार रहेगा क्या दारदार रहेगा देखिए मैं कह सकता हूँ कि जितना मैं लोगों के बीच गया हूँ और हर नामांकन में मैं गया हूँ जो रिस्पॉन्स जनता का है और जो कार्यकर्ताओं पर इस बार जिज्ञासा है कि प्रत्याशी को जिताने की वो बहुत गजब की है और मैं कह सकता हूँ कि पिछले 2014 के चुनाव से ज़्यादा मतों से इस बार हम जीते हैं ये थे हमारे साथ मंत्री धन सिंह राव जो साफ तौर से कह कि जो पाँचों लोकसभा सीटें वहाँ पर भाजपा बुहरी मोहम्मद से विजयी होगी अपने से होगी रजत के साथ भरत साहब